जय हिंद साथियों, आज हम हनुमान चालीसा में छिपे ब्रह्मांड के उस रहस्य को जानेंगे जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए फिर जानते हैं उस रहस्य के बारे में। सनातन धर्म में हर ग्रंथ का अपना एक महत्व है। कई बार ऐसा भी देखने और सुनने को मिलता है कि किसी घटना का वर्णन किसी ग्रंथ या फिर किसी शास्त्र में पहले ही किया जा चुका है। ऐसे ही हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां में तुलसीदास ने बहुत पहले ही दुनिया के बड़े रहस्य का खुलासा किया था। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित किया गया है। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ उत्तम बताया गया है। हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान हर तरह के संकट से सुरक्षित रहता है। हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां जिनके जरिए तुलसीदास ने बहुत पहले ही दुनिया के बड़े रहस्य का खुलासा किया था, इस विषय में कई साल पहले वैज्ञानिकों ने खोज की है। हम बात कर रहे हैं सूरज से पृथ्वी की दूरी के बारे में, जिसे तुलसीदास ने अपनी इन पंक्तियों में पहले ही बता दिया था। आइए जानते हैं इस विषय में विस्तार से। तुलसीदास ने पहले ही बता दिया था। कुछ समय पहले की बात है जब वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन इस विषय में सैकड़ों वर्ष पहले ही तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में बता दिया था कि सूरज से पृथ्वी की कितनी दूरी है। दरअसल हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में बताया गया है कि सूरज और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है। तो आए जानते हैं हनुमान चालीसा की उस 18वीं चौपाई के बारे में। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। अवधी भाषा में लिखी गई यह पंक्ति का हिंदी अनुवाद किया जाए तो इसमें कहा गया है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित सूरज को मीठा फल समझकर खा लिया था। वैदिक ज्योतिष के आधार पर इन पंक्ति के प्रत्येक शब्द का गणित समझते हैं। आपको बता दे कि एक युग 12,000 वर्ष के बराबर होता है तथा एक सहस्त्र 1,000 के बराबर होता है और एक योजन 8 मील के बराबर होता है तथा भानु को सूर्य कहा जाता है। युग सहस्त्र योजन तीनों को आपस में गुणा करते हैं तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकल आती है। जब हम 12,000 को 1,000 तथा 8 मील से गुणा करते हैं तो 96 करोड़ मील आता है तथा 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। तो 96 करोड़ मील को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1.6 मील से गुणा करते हैं जो 15,36,00,000 किमी होता है, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। इस प्रकार है इन पंक्तियों का पूरा प्रसंग। राम भक्त हनुमान को जन्म के समय से ही कई शक्तियां प्राप्त हैं। हनुमान चालीसा के अनुसार बाल अवस्था में हनुमान जी को खेलते खेलते सूरज दिखाई दिया। उन्हें देखने में वह किसी मीठे फल की तरह लगा। तब उस फल को खाने के लिए हनुमान जी उस तक पहुंच गए और दिव्य शक्तियों से अपना आकार बढ़ाकर उन्होंने सूरज को निगल लिया, जिसके कारण हर जगह अंधेरा छा गया। देवी देवता घबरा गए। तब इंद्र ने हनुमान जी की ठोड़ी पर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठोड़ी कट गई, इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।